नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रीत और स्वागत है आज के वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं मौसम की। और मौसम है, सावन का महीना है और मौसम बहुत सुहाना है। बहुत सारे बादल हैं, ऊपर देख के आपको अच्छा दिख रहा होगा। भोपाल में तो एटलीस्ट अभी काफी दिनों से बारिश नहीं हुई है। बीच में करीब करीब एक हफ्ता बारिश हुई थी और काफी अच्छी बारिश थी वो। उसके बाद में करीब 10-12 दिन मौसम खुला रहा। एक दिन पानी गिरा है लास्ट फ्राइडे को और आज है वेडनेसडे। उम्मीद करते हैं कि आज जो है वो भी पानी गिरेगा, क्योंकि बादल बहुत सारे हैं और ये बहुत अच्छा व्यू है ऊपर बादलों का, बहुत मजेदार है। थोड़ी सी मौसम में ठंडक है और आज जो न्यूज़पेपर में आया था वो ये आया था कि 9 डिग्री जो है वो टेम्परेचर डाउन हो गया है, क्योंकि इतने सारे बादल एकदम से आ गए हैं। थोड़े थोड़े करके ये सारे इकट्ठे हो रहे थे 2-3 दिन से, लेकिन अब ये आ गए हैं तो 9 डिग्री टेम्परेचर गिर गया इसकी वजह से। और बहुत अच्छा सा फील हो रहा है, गाड़ी चलाने में भी मजा आ रहा है। बेसिकली ये तो पर्दा लगाया हुआ है क्योंकि पीछे से लाइट आएगी तो जो कैमरा है उस पर काला काला होने लगेगा। जो लेंस पे अगर लाइट पड़ेगी तो फिर इमेज जो है वो क्लियर नहीं आएगी, और इसलिए ये लगाया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, दूसरी जो चीज मैं इस वीडियो में बात करने वाला था वो बात करने वाला था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो गाड़ी चलाते समय, स्पेशली जब हम गाड़ी चला रहे हैं और बरसात में जब गाड़ी चला रहे हैं, बारिश के मौसम में जब गाड़ी चलाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अपने गाड़ी के हजार्ड लाइट ऑन कर देते हैं। चारों इंडिकेटर्स जब चालू कर दिए जाते हैं तो उसको हजार्ड लाइट बोलते हैं। उसका जो स्विच होता है, ये वाला स्विच होता है, यहाँ पे लगा होता है। ये हर गाड़ी में अलग अलग तरीके का होता है। किसी में यहाँ स्टेयरिंग के ऊपर होता है, किसी में ये बीच में होता है, किसी में यहाँ ऊपर डैशबोर्ड पे होता है, किसी में एसी कंट्रोल के पास में होता है। तो हर गाड़ी का ये अलग जगह पे होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इसको ना चालू कर देते हैं बरसात में। अब आप खुद सोचो कि अगर आप चारों इंडिकेटर्स को चालू कर देंगे तो चारों इंडिकेटर्स को चालू करने या 6 इंडिकेटर्स आप ORVM पे है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे तो 6 इंडिकेटर्स हो जाएंगे, या अगर आपके साइड फेंडर पे है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे तो 6 हो जाएंगे। लेकिन बोला यही जाता है कि चारों इंडिकेटर्स है। तो अगर आप चारों इंडिकेटर्स को चालू कर देंगे तो जो गाड़ी आपके पीछे चल रही है उसको कैसे समझ में आएगा यार कि आपको लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है। अब मान लीजिए आपको राइट मुड़ना और आपने राइट का भी इंडिकेटर दे दिया है अपने इससे लीवर से, और अगर आप राइट मुड़ रहे हैं लेकिन आपकी गाड़ी के चारों इंडिकेटर्स चालू हैं तो जो पीछे चल रहा है उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि आप कहाँ मुड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। आपका प्लान क्या है, लेफ्ट मुड़ने का है या राइट मुड़ने का है, उसको मालूम ही नहीं चल पाएगा। तो मेरी जो रिक्वेस्ट है वो सभी लोगों से ये है कि भैया आप ना अपने गाड़ी के इंडिकेटर्स को ऑन मत करिए, हजार्ड लाइट को ऑन मत करिए। इंस्टेड आप ऑन करिए अपनी गाड़ी की हेडलाइट्स को, हेडलाइट्स को ऑन कर दीजिए या जो फॉग लैंप होते हैं उनको ऑन कर दीजिए। सफिशिएंट है, बारिश में आराम से दिखती है हेडलाइट्स और फॉग लैंप्स और कोई दिक्कत नहीं जाती है। पीछे जो चल रहा है उसको आपकी गाड़ी का जब जो उसकी रेड कलर की जो लाइट पड़ती है उसकी आंखों पे वो आराम से दिखाई देती है, दूर से दिखाई दे जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। रिफ्लेक्टर्स इतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं कि जो पीछे गाड़ी आ रही है उसको रेड कलर की लाइट जो है वो सामने वाली गाड़ी में जलती हुई दिखाई देगी। और ज्यादातर दिक्कत उन गाड़ियों में आती है जिनका कलर डार्क होता है, जैसे ब्राउन हो गया, ब्लैक हो गया, इन सब गाड़ियों को देखने में दिक्कत आती है। जो लाइट कलर्स की गाड़ियां हैं वो तो वैसे भी नजर आ जाती है, रेड कलर की गाड़ी हो गई, ये सब जो होती है डार्क कलर गाड़ियां इनको देखने में दिक्कत आती है। जो लाइट कलर्स की गाड़ियां होती है उनमें दिखने में दिक्कत नहीं आती है। तो रिक्वेस्ट ये है कि भाई आप जब भी बरसात हो, तेज बारिश हो रही हो, विजिबिलिटी कम हो, उस टाइम पे सिर्फ हेडलाइट्स को ऑन कर दीजिए और हेडलाइट्स को भी लो बीम पे रखिए, क्योंकि जो विजिबिलिटी है वो लो बीम पे ज्यादा आ जाएगी और जो उसका रियर लाइट्स हैं जो ब्रेक के साथ में जो जलती हैं, लो बीम के साथ में हेडलाइट्स के साथ में जो लाइट जलती हैं वो लाइट्स हैं काफी कारगर हैं और जरूरत नहीं पड़ेगी आपको हजार्ड लाइट को ऑन करने की। तो ये जो वीडियो था ये इसी बारे में था और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।